नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं अभी वापस स्टूडियो नहीं पहुंच पाया हूं। आज मैं कन्याकुमारी में हूं, अद्भुत जगह, एक तरह से भारत के बिल्कुल यहां से नीचे से खड़े हो जाइए पूरा भारत दिखाई दे रहा है। बात ये था कि आज किस विषय पे करें, लेकिन एक विषय ऐसा है जिसको चाहिए तो अनदेखी कर दीजिए, चाहिए तो मत बोलिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि कभी कभी कुछ मुश्किल विषय होते हैं, और ऐसा माना जाता है कुछ लोगों का जो आपके बहुत से ऐसे शुभ चिंतक होते हैं, उनको लगता है क्या इसमें बोला जाए, इसमें जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं, उनके ओपिनियन डिवाइडेड हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस पर भी बोलना आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर फाइल्स की। विवेक अग्निहोत्री जी की एक पिक्चर अभी रिलीज हुई, कश्मीर फाइल्स, और उस पर मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस पे एक वक्तव्य दिया, मतलब भाजपा के उसमें ये इस कश्मीर फाइल्स का उन्होंने जिक्र, वो एक 2-2.5 मिनट का है, वो इसलिए देख लीजिए कि फिर आपको भी रेफरेंस आसान हो जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑपरेशन की बात, फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है, कैसे भूल सकता है देश। कभी कभी उसमें सच में तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से, और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है, जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। आपने देख लिया। देखिए, ऐसा है ना कि एक चीज बिल्कुल हम सब लोग इस बात के पक्षधर हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू मेक योर ओन मूवीज, आपका अपना जिस ढंग से आप साहित्य लिखना चाहते हैं, जिस ढंग से आप पिक्चर दिखाना चाहते हैं, जिस ढंग से आप अपना न्यूज कॉन्टेंट करना चाहते हैं, वो आपका आपका राइट है। और विवेक अग्निहोत्री जी से कोई भी इस राइट को अगर कहता है कि नहीं उन्होंने पिक्चर अच्छी बनाई या खराब बनाई या इस नहीं, वो नहीं ठीक है। पिक्चर अच्छा अच्छी खराब तो हर एक को अपने अपने मन से आप अच्छी खराब पिक्चर की विवेचना करते हैं। शोले मालूम ने कितना 10-12-15 बार देखी थी, लेकिन जब दूसरी शोले का सीक्वल आया, रामपुर के शोले या कौन से शोले, अमिताभ बच्चन जी की, तो वो शायद पूरे एक शो भी देखना सिरदर्द था, शायद पूरी पिक्चर के चले आए थे। तो पिक्चर की क्वालिटी की बात अभी हम लोग यहाँ नहीं कर रहे। इस पिक्चर से बहुत सी चीजें और कुछ बातें उभरी हैं, उस पर बात कर ले रहे हैं। ये बार बार एक बहुत पुराना, जिसको कहेंगे जुमला नहीं बोलेंगे, एक पुराना कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना,
ये जो फिल्म बनती है ये भी उस कला का एक एक्सटेंशन है, लिखने की कला करता है कोई, परफॉर्मिंग आर्ट्स का होता है, और एक साहित्य का एक वो है जहाँ पे आर्टिस्ट अपनी बात को समाज के सामने अपने ढंग से अपनी कहानी कहता है। लेकिन इस पिक्चर को देख के ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पिक्चर को देख के ऐसा कहा जा रहा है, एक तो आपने मोदी जी का भाषण सुन लिया। अब मोदी जी अगर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में गांधी जी का नाम दुनिया में कोई जानता नहीं था, मार्टिन लूथर किंग को ज्यादा लोग जानते थे, और जब रिचर्ड एटनबरो ने गांधी पिक्चर बनाई उसके बाद उनका नाम कोई जाना, तो इसके लिए भाई प्रधानमंत्री है उनके बारे में कुछ भी कहना अनुचित होगा। मतलब तो मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा देश था सन 47 के बाद, जितने देश आजाद हुए उसके पहले, चाहे वो ब्रिटेन हो और चाहे वो अमेरिका हो, जिसमें गांधी को रिचर्ड एटनबरो की पिक्चर का इंतजार था, जहां से गांधी को ये को उनकी पहचान मिली इस दुनिया में। ये उनके विचार हो सकते हैं, शायद ये कह के वो थोड़ा एम्फेसिस करना चाह रहे थे कि ये कश्मीर फाइल्स कितनी आवश्यक है। अब जिस पिक्चर का प्रमोशन, जिस पिक्चर के को कहने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हो, तो फिर कहना ही क्या। बहुत बेसिक दो चार मूल बातें हैं, मूल बातें इसलिए हैं कि एक तरह से सरकारी स्पॉन्सर्ड पिक्चर हो, मतलब हर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म बंधु है इसी तरह का, कोई ना कोई नाम का हर प्रदेश में, अगर आप वहां पिक्चर बनाइए तो कमोबेश कहीं कोई कुछ इंसेंटिव देता है, कोई 2 करोड़ देता है, कोई 50 लाख देता है, कोई 2.5 करोड़ देता है, कोई साढ़े, एक इंसेंटिव मिलता है कि आप मेरे प्रदेश में आइए, यहाँ के संसाधन यूज करिए और यहाँ पिक्चर बनाइए, बिल्कुल। और उसमें से कुछ पिक्चरें जो होती हैं वो टैक्स फ्री भी की जाती हैं। टैक्स फ्री का पैमाना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये कहना कि ये पिक्चर क्यों टैक्स फ्री और ये पिक्चर क्यों नहीं टैक्स फ्री, ये इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें सबके सब पे प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा। चक दे इंडिया को क्यों टैक्स फ्री किया, उसको क्यों नहीं टैक्स फ्री किया, इत्यादि इत्यादि। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर जो भी सरकार है प्रदेश की, उसको ये लगता है कि इस पिक्चर को देखने से एक लार्जर पब्लिक गुड, पब्लिक का एक लार्जर पब्लिक को आके देखना चाहिए, तो टैक्स फ्री कर देती है। आइडिया ये होता है कि सरकार अपना रेवेन्यू नहीं लेती और इनडायरेक्टली लोगों से कहती है कि अगर आप जाके भाई सस्ते में पिक्चर देख सकते हैं तो आप पिक्चर देख लीजिए, एक ये ढंग होता है। लेकिन इस पिक्चर के लिए जो अनप्रेसिडेंट है, ऐसा सुना नहीं गया है, सरकार केवल प्रदेश सरकारें जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो टैक्स फ्री ही नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर आप पिक्चर देखने जाएंगे तो एक दिन की छुट्टी, पिक्चर देखिए एक दिन की छुट्टी लीजिए। तो अगर इस तरह का इंसेंटिव सरकार दे रही है तो ये पिक्चर का टैक्स फ्री नहीं कर रही है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिक्चर को पूरी तरह से प्रायोजित कर रही है। अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बीजेपी जो के जो राज्य हैं वो इस पिक्चर को इतना अहम मानने लगे कि उनको इसको इस तरह से प्रायोजित करना पड़ रहा है। मैं मुख्य विषय पे आऊं उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, जो इसके जो मुख्य किरदार है, जो लोगों ने मेन रोल प्ले किया है, उसमें विवेक अग्निहोत्री साहब डायरेक्टर है, उनकी पत्नी पल्लवी जोशी जी बेहतरीन अदाकारा इन द सेंस की उन्होंने सारे गामा पा, और गाने में भी बहुत अच्छी, एक्टिंग में बहुत अच्छी, और बहुत ही जो उन्होंने जो भी अभिनय किया है वो बहुत ही समसामायिक उस समय का वन ऑफ द बेस्ट। विवेक अग्निहोत्री जी हमारा एक हम लोग अवध कॉन्क्लेव करते हैं, तो जब कोरोना से पहले अवध कॉन्क्लेव किया था तो उनको उसमें बुलाया था, वो आए थे, और वो जिस तरह की रेडिकल बातें, जिस तरह की राइट एक्सट्रीम हिंदुज्म के, वो उस समय भी करते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन वो बाकी बातें व्यक्तिगत हो जाएंगी इसलिए नहीं, लेकिन वो वैसे ही हैं, वो वैसे ही करते हैं, उनको इसी से ही ड्रॉज स्ट्रेंथ आउट ऑफ इट, वो एक जो थोड़ा प्राइड भी उनको इससे मिलता है वो इस तरह के। तो ये तो एक्टर डायरेक्टर हो गए जो मेन जिनके इसके ड्राइविंग फोर्स है। अनुपम खेर साहब लीड रोल में, अनुपम खेर साहब भाजपा के लिए कैसे बैटिंग करते हैं ये सबको याद है। मैं एक और चीज याद दिला दूं, अनुपम खेर साहब ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या टिप्पणी की थी, ये गूगल करके देख लीजिए, मतलब जितनी अमर्यादित भाषा कोई सड़क पे चलने वाला भी ना करे, उस तरह की भाषा का प्रयोग अनुपम खेर ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए किया है। उसके मतलब ये उसके एक प्रमुख किरदार ये निभा रहे हैं। फिर हमारे कलकत्ता वाले साहब, अब मिथुन दा को क्या कहें, मिथुन दा तो ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं, वो काला नाग कौन सा नाग क्या बोले थे अपने। और मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो पूरा
डिस्कोर्स है, जो सारे लोग इस पिक्चर को बनाने में या भूमिका करने में लगे हैं, वो नोन पोजिशन एक पार्टी के पक्ष में या तो मेंबर है या उसके नोन पोजिशन, मतलब ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट लोग, कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बना रहा है जिसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। अब क्या हो रहा है कि जो सोशल मीडिया है उसका प्रचार प्रसार का एक बड़ा साधन इस समय सोशल मीडिया बिल्कुल कमर कस के उतर गया है कि अब हर आदमी को, अगर वो राष्ट्रप्रेमी है तो उसको कश्मीर फाइल्स देखनी। तो एक एक सटल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हमारे भाजपा आईटी सेल जिसको स्पॉन्सर करता है, प्रायोजित करता है, कि अगर आप राष्ट्रप्रेमी हैं तो आपको पिक्चर देखनी है, और अगर आप राष्ट्र इस और जो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि आप राष्ट्रद्रोही। तो ये जो भी हो रहा है, अब इसके बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको आपको देख के खुद आश्चर्य हो रहा है। पहली चीज ये हो रही है कि इसको एक पक्ष जो व्हाट्सएप, अच्छा वो पक्ष वही व्हाट्सएप का है जो जेएनयू को के समय जेएनयू के खिलाफ खड़ा था, जो दिल्ली इलेक्शन के समय जो अमित शाह और अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जी के जो उद्बोधन थे उनको उनपे ताली बजा रहा था, वो सारे वो लोग वही हैं जो इस काम को देख रहे हैं, जो इस पिक्चर की बिल्कुल वकालत करने के लिए ठीक से आ गए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे बैटिंग होती है उस तरह से पूरे तरह से इसके पक्ष में, एक मुझे नहीं पता था, मुझे इसमें लगा इंडियन मोशन पिक्चर्स वो IMDb एक होता है जो रेट करता है कि कौन सी पिक्चर कितनी, ऑन अ रेटिंग स्केल जहाँ पे दर्शक अपना प्रतिक्रिया देते हैं, उसमें ये शुरू में 10 थी, अब शायद 8.3 हुई, तो पिक्चर को भी ये माना जा रहा है कि अभूतपूर्व पिक्चर है। अब मैं मेन मुद्दे पे आने से पहले एक चीज और आपको बता दूं, पूरी पिक्चर का एक अजीब सी चीज है का पूरा पूरा लिंक मेरे यहाँ 4-5-6 जगह 8 जगह से आ चुका है कि आप ये लिंक वो करिए, आप फ्री में आप ऐसी पिक्चर देख लीजिए अपने मोबाइल पे। पहली बार हो रहा है किसी पिक्चर का लिंक इस तरह से शेयर हो रहा हो कि आप पूरी पिक्चर देख लीजिए, पहली बार हो रहा है। 1983 वो वर्ल्ड कप वाली अभी हुई थी, मैंने कई बार कोशिश की कहीं देखो क्योंकि थिएटर में तो जा नहीं रहे हैं आजकल, तो नहीं आज तक नहीं देख पाया हूं उसको डाउनलोड करके, लेकिन इसका लिंक पूरा मिल रहा है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर ये कहीं होता तो अब तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर इसके लिए हल्ला मचा रहे होते, मालूम नहीं कहाँ कहाँ गए, लेकिन वो शांत है, बिल्कुल चुप बैठे हुए, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा लिंक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो एंजॉइंग, उनको भी लगता है कि ये लिंक जितना ज्यादा शेयर हो जाए तो उसको उनको एक तरह से इसमें आपत्ति नहीं है, वो चाहते हैं कि ये देखें। एक हमारे एक चैनल, एक न्यूज चैनल है जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा वो बांटते हैं, खुद तो देशभक्त हैं ही, जो सर्टिफिकेट बांटते हैं वो चीख चीख के बांटते हैं और इंटरनेशनल लोगों को बुला बुला के वो देते रहते हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं अपने चैनल पे दिखा दूंगा, तो वो चैनल ही पे दिखाने को इसको तैयार है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग लोग इसको कह रहे हैं कि हम इसको अपने यहाँ दिखा रहे हैं, मतलब इसके लिए प्रचार प्रसार खूब कस के हो रहा है। दिक्कत क्या हो रही है कि देखिए पिक्चर की गुणवत्ता, कहानी की गुणवत्ता, खाने की गुणवत्ता, तो वो जो व्यक्ति है ये उसका विशेषाधिकार है, कह लीजिए उसका विशेषाधिकार नहीं उसका बेसिक अधिकार है, तो उसको अच्छी भी लग सकती है बुरी भी लग सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और मैंने ये पिक्चर देखी नहीं, ये भी मैं बता दूं, मैंने पिक्चर देखी नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। तो एक चीज तो ये है कि इस पिक्चर से एक राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। ऐसे वो जो किरदार भी हैं उसमें जो बनाए गए हैं, उसमें एक पल्लवी जोशी का किरदार है जो प्रोफेसर मेनन बनी है, उस तरह की प्रोफेसर मेनन जेएनयू में नहीं है जिनका एक अपना रोल था। एक दर्शन कुमार जी बने हैं जो कन्हैया कुमार की तरफ से स्टूडेंट वो बने हैं, वो सारे उन, उन उनको लाके उनके मुंह में उस तरह के शब्द डाले गए हैं जिससे एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को ये दिखाया जाए कि ये बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही मतलब हार्टलेस इस तरह के पेंट करने की कोशिश की गई। सबसे अजीब सी बात यह है कि आप खराब से खराब, आप कोई भी पिक्चर देख लीजिए, कोई भी पिक्चर देखी, वहां पे एक कैरेक्टर हरदम रावण के यहाँ जब सीता का हरण हुआ, तो रावण जब उनको अपने यहाँ रखा और उनको बंदी बनाकर और पूरा उसके, तो वहां केवल मंदोदरी ही नहीं, उसकी पत्नी ने और भी बहुत सी थी जिनका सीता के प्रति
एक रिस्पेक्ट तो थी, एक मन में अच्छा विचार था उनका, दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट सीता। उसी तरह से समाज में, चाहे वो जितना भी समाज हो, नाजियों के बारे में कहा जाता है कि किस तरह से यहूदियों का वो किया गया, उसमें कुछ कुछ नाजियों का रोल है जो जिन्होंने अच्छा काम भी किया, लेकिन ये अकेली पिक्चर है जहां पे एक धर्म विशेष के लोगों ने केवल खराब और खराबी काम किया। एक भी व्यक्ति नहीं मिला पूरे उसमें जहां पे ये कहा जाए कि ये इन भाई, उसमें से एक ये कैरेक्टर था जिसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि वो वहां पे जाके इसको दिखा रहा था कि नहीं नहीं ये हिंदू मुस्लिम नहीं, और इंसानियत के नाते उसमें एक धर्म विशेष के लोग इंसान थे ही है ही नहीं, ये डिपिक्ट करने की कोशिश की गई। अच्छा, ये भी मान लीजिए उनका हक है कि वो किसी को क्या डिपिक्ट करे, लेकिन अगर आप ये डिपिक्ट कर रहे हैं और अगर सरकार और प्रधानमंत्री इसको प्रमोट कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर सरकार या वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल सपोर्ट तो है ही, पीठ पे हाथ भी है कि तुम कुछ कर लोगे हम इसी तरह से करेंगे। अब एक चीज और देख लीजिए, ये अच्छा, ये सारे लोग जो इस समय इसको प्रमोशन में लगे वही लोग हैं जो पास्ट में कई पिक्चरों के लिए कि इस पिक्चर को नहीं देखना है, वो संजय लीला भंसाली की पिक्चर मत देखिए, दीपिका पादुकोण की ये पिक्चर मत देखिए, और हम जाके उसको चलने नहीं देंगे, सारे वो लोग हैं जो कह रहे हैं जाके पिक्चर देखिए। तो हम क्या देखें और क्या ना देखें, ये निर्णय ये जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं और जिनको राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट ऑलरेडी बटा हुआ है, मिला हुआ है, ये वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। क्योंकि देखिए, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी किताब में भी इसका जिक्र है, जो अभी किताब हो सकता है कि अगले महीने तक आ जाए, उसका भी जिक्र है। मैं डिटेल में, मैं पार्ट एंड पार्सल था जब ये 89-90 का दौर था, उस समय इस पॉलिटिकल घटनाओं को बहुत पास से देखा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसका कांग्रेस का राज था, कि जनता दल का राज था, कि बीजेपी का राज था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल पिक्चर से जो नैरेटिव बनाने की बात हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल मूवी में इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं, घटनाएं दिखाई जाती हैं। इस पिक्चर में केवल और केवल अत्याचार दिखाया गया है। मतलब वो जो एयरफोर्स ऑफिसर है जिसका एक रोल दिखाया गया है, उनकी पत्नी कोर्ट में गई है कि ये गलत आप ढंग से दिखा रहे हैं इसको। तो मतलब अत्याचारियों के बीच भी कोई तो सेन वॉइस होती है, वहां दिखाया गया कि नहीं, एक संप्रदाय विशेष में कोई सेन वॉइस नहीं, उनको अब वो अपना अपना है। मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा कि ये जख्म जो है, चाहे पिक्चर हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कुछ हो, ये जख्म कुरेदना चाहिए कि जख्म पे मरहम लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कलाकार होता है वो आम इंसान से ज्यादा संवेदनशील होता है, उसकी संवेदना ज्यादा होती है, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। दुनिया का कोई भी चेंज अगर आया है, वैचारिक रूप से हो चाहे किसी भी, वो कहीं ना कहीं कलाकार ड्रिवन रहा है, उसका विचार ड्रिवन रहा है। तो विचार में नफरत होनी चाहिए कि प्रेम होना चाहिए, विचार में जख्म को और कुरेद के लाल कर देना चाहिए कि उस पर मरहम लगाना चाहिए। 75 साल में अगर हम साथ एक साथ नहीं रह पा रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो खाई है वो कुछ भरने की कोशिश हो, वो चाहे एक एक अंजलि जिसको बोलते हैं, अंजलि मिट्टी हो, उसी से खाई हमारा भाई, हमारे हमसे एक ही अंजलि हो सकता है, हमसे एक ही वो हो सकता है, मैं इतना ही कर रहा हूँ। वो खाई भरने की कोशिश होनी चाहिए कि वो खाई में एक फावड़ा और मार के उस खाई को और गहरा करने की कोशिश करनी, क्योंकि जो पिक्चर ये है ये उस खाई को बढ़ाने का काम कर रही है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि ये कहीं से प्रोपोगंडा फिल्म ज्यादा लग रही है, इसमें कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि ये एक तथ्यों पे आधारित एक पिक्चर है, और उसको हमारे सर्टिफिकेट तो दे ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि एक पूरी कौम को आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। इस देश में रास्ते ये तलाशने हैं कि मिलजुल के कैसे रहें, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं वो एक अलग विषय, गलती किसी की भी हो, पूरी गलती किसी की भी हो, लेकिन रहना तो मिलजुल के है। तो क्या कोई भी साहित्य, कोई भी कलाकार, कोई भी पिक्चर, कोई भी शेर, कोई भी गजल, कोई भी शायरी, ये होनी चाहिए कि खाई बढ़े, कि ये होनी चाहिए कि खाई, मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि
आप पिक्चर देखिए, ये आपके निजी निजी डिसीजन है, पिक्चर को अच्छा कहिए भी, लेकिन उससे मन में जब आप बाहर निकल रहे हैं, जैसा वो रिएक्शन आ रहा है, अरे हमें पता नहीं था, इन लोगों ने क्या, ठीक है मजा चखाना है, ये जैसे सीताराम को वॉर क्राई बना के हमने जय श्री राम कर दिया, जैसे हनुमान जी जो सबको अभय दान देते हैं, जो सबके जब समस्या होती है तो वही काम आते हैं हनुमान जी, चाहे वो भूत पिशाच हो चाहे वो आदमी हो, तो वही काम आते हैं, उनको हमने एंग्री हनुमान कर दिया है। उस दिशा में इंसानियत कभी भी दुनिया गवाह है, पिछले कई सौ साल का इतिहास, दुनिया नफरत से नहीं चलती है, दुनिया में तो आपको मोहब्बत और प्रेम की बात करनी होगी। आज करिए, 10 साल बात करिए, 20 साल बात करिए, बहुत कुछ खराब हो जाने की बात करिए, लेकिन ये दुनिया तो मोहब्बत से चलेगी, नफरत से आज तक कुछ भी नहीं चला, नफरत केवल डिस्ट्रक्शन करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।